प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ वो है आपका डाबर का च्यवनप्राश। ये मेरे पास 1 किलो का है, इसमें और छोटे भी आते हैं, आधे किलो का भी आता है, और भी पैक आते हैं, तो आप कोई सा भी पैक ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि डाबर का च्यवनप्राश कैसा है। देखिए, बहुत सारी कंपनी आती हैं, आपका डाबर का है, झंडू का है, पतंजलि का है, और आपका है एक काफ़ी पुरानी कंपनी है उसका भी है, जिसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वैद्यनाथ का भी है। तो इस तरह से बहुत सारे च्यवनप्राश मार्केट में आपके आते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कौन सा च्यवनप्राश है, जो आपका नॉर्मल च्यवनप्राश आता है, उसमें ये है आपका डाबर का च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के वैसे तो बहुत सारे यूज हैं। इसमें एक तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो हमारे पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वो हमें इसके रूप में दे दी जाती हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जड़ी बूटियों का सेवन नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, हम नॉर्मल खाना ही खाते रहते हैं, और उसके विपरीत पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट और पता नहीं क्या क्या, सैंडविच और पता नहीं, पाव भाजी, गोलगप्पे, टिक्की, क्या क्या खाते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आप गरम मसाला यूज करते हैं अपने घर में तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उनको यूज करते रहिए, हल्दी वगैरह भी यूज करते रहिए। और ये जो च्यवनप्राश है, इसमें क्या है, आपकी 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो इस तरह से च्यवनप्राश आपके लिए एक अच्छा हेल्थ टॉनिक हो सकता है, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं इसलिए। और इसमें आंवला होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा आपको प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो आंवला आप किसी भी रूप में खाएं, चाहे आप च्यवनप्राश के रूप में खाएं, या सीधा ही उसका जूस, या फिर आप उसका मुरब्बा बनाते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, और बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं आंवले को। तो इसमें आंवले की प्रचुर मात्रा होती है, इसके साथ में और बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। यानी कि हमारे जो मसालों वाली हैं वो तो मिल ही जाती हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसमें मिल जाती हैं। तो आप दिन में, वैसे इसमें जो लिखा है, दिन में एक एडल्ट को 2 चम्मच वो ले सकता है सुबह शाम, लेकिन अगर आप 1 चम्मच भी लेंगे तो ठीक है, 1 चम्मच भी आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। सुबह अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो भी अच्छा है, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं इसको, जो भी आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ का लाभ लेने के लिए वो कोशिश कीजिए आप उसको ज़्यादा प्रोडक्टों के साथ ना खाएं, जैसे कि आप खाना भी खा रहे हैं और इसको भी खा रहे हैं, तो सारा का सारा जो शरीर पचाता है, हमारा खाना भी पचाता है, इसको भी पचाता है, तो उसको रस अलग करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो एक चीज़ आप एक टाइम में लेंगे या दूध के साथ लेंगे तो उसको आसानी से, जो इसके रस होते हैं, जो इसके तत्व होते हैं, उनको हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए ये कोशिश कीजिए कम से कम चीज़ों के साथ इसको लेने की, या दूध के साथ ले लीजिए, गर्म पानी के साथ ले लीजिए, नहीं तो खाली ले लीजिए, आप खाली पेट तो बेटर है। तो गर्म पानी कर सकते हैं अगर आप, दूध के साथ ले सकते हैं, और खाली पेट ले सकते हैं, तीनों ही तरह से आप इसको ले सकते हैं च्यवनप्राश को। अब इसमें सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज़ है थोड़ा सा, जो इसमें प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में होता है तो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। बस एक प्रिजर्वेटिव को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें च्यवनप्राश में अच्छी होती हैं, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपको दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो लाने के लिए, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।